प्रश्न नंबर दो प्रश्नावली 2.2 का दूसरा सवाल है और दूसरे का भी सेकंड पार्ट, लेकिन यहाँ पे सवाल पहले लिखा हुआ क्या है, पहले ये ऊपर पढ़ लिया करो। ये जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं इसको डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा करना क्या है। पहले इसको पढ़िए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमश दी गई संख्या है। योग यानी कि सम और गुणनफल मतलब प्रोडक्ट। ये पहला जो वैल्यू दे रखी है ये है सम यानी कि शून्यकों का योग है बेटे, ये शून्यकों का योग है और इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, मैंने आपको बताया अल्फा प्लस बीटा, तो ये आपको अल्फा प्लस बीटा दे रखा है। फिर दूसरा यानी कि सम ऑफ जीरोज है ये बेटे, सम ऑफ जीरोज, ठीक है, ये सम ऑफ जीरोज है। फिर है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, बेटे बातें बंद कर लीजिए, अल्फा इंटू बीटा, यानी कि पहले देखो अगर यहाँ पहले योग कहा है तो पहली वाली संख्या योग होगी और गुणनफल पहले कहा है तो फिर गुणनफल पहले होगा, ठीक है। अब गुणनफल बाद में है तो गुणनफल क्या होगा, बाद वाली वैल्यू होगी 1/3, ठीक है। इसको कहा जाता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब कैसे निकालना है, सीधा फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ क्या निकालना है। द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, इसका सीधा फॉर्मूला है, सुन लीजिए, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इंग्लिश में कहते हैं, और इसका सीधा फॉर्मूला है बेटे, इधर ध्यान से सुन लेना, एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, एक्स स्क्वायर रहेगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है बेटे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ये दे रखी है √2, एक्स एक्स ही रहेगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है बेटे 1/3। अब सुनिए सीधा फॉर्मूला बता रहा हूँ आपको क्या करना है, यहाँ से आगे, यहाँ 1/3 है, इसको नीचे नहीं छोड़ना। अब इसको यहाँ से हटाने के लिए क्या करेंगे, इसको यहाँ से हटाने के साथ में यहाँ से ये हट जाएगा और इसके साथ भी जाएगा और इसके साथ भी जाएगा, ये तीन यहाँ पे भी लिखा जाएगा इसके साथ में, तो ये इसके साथ लिखा जाएगा, तो इसको लिखेंगे 3x² माइनस, ये तीन इसके साथ भी जाएगा तो 3√2x हो जाएगा बेटे, और प्लस में यहाँ से हट जाएगा मीन्स 1 रह जाएगा केवल यहाँ पे, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। बात समझ में आई, कोई भी सवाल हो नीचे, अगर आपको इस तरीके से नीचे दो के नीचे चार, जैसे अब अगला वाला सवाल आप कह रहे थे पांचवा कि अपॉन में 4 है, दो के नीचे 4 आ रहा है तो उन दोनों के नीचे से 4 को हटा देंगे और जिसमें 4 नहीं है उसमें 4 मल्टीप्लाई में लिख देंगे, ठीक है, सिर्फ वही करना है, बाकी आंसर इसी तरीके से करना है। फॉर्मूला है ये फॉर्मूला याद रखना है बेटे, अगर ये फॉर्मूला आप भूल गए तो ये सवाल आप हल नहीं कर पाएंगे, फिर कन्फ्यूजन हो जाएगी आपको। सीधा यही फॉर्मूला याद रखिए, शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल क्या है और उसके बाद में द्विघात बहुपद क्या है। अब हो सकता है किसी में आपसे ये भी कहा जाए कि किसी सवाल में कि अल्फा दे रखा हो, कुछ ना कुछ वैल्यू दे रखी है उसकी, और बीटा की वैल्यू दे रखी है, तो भाई ये दोनों वैल्यू आपको दी हुई हो सकती हैं, तो फिर सबसे पहले आपने ये निकालना पड़ेगा सम ऑफ जीरोज यानी कि शून्यकों का योग निकालना पड़ेगा, फिर शून्यकों का गुणनफल निकालना पड़ेगा। अगर ये दे रखे हैं यानी कि दो जीरोज दे रखे हैं, आपकी बार गुणनफल और योग नहीं दे रखा तो जीरोज दिया होगा, जीरोज दे रखे हैं तो यानी कि जो शून्यक हैं वो दे रखे हैं तो उनसे हमें निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, योग निकालना पड़ेगा और गुणनफल निकालना पड़ेगा, उसको इसमें बाद में पुट करना पड़ेगा, या फिर आप सीधी ये वैल्यूज यहाँ पे भी सीधा इस फॉर्मूले के अंदर अल्फा की वैल्यू जो आएगी यहाँ पे दे रखी होगी वो यहाँ पुट कर दें, बीटा की जो वैल्यू हो यहाँ पुट कर दीजिए, या फिर पहले निकाल लीजिए फिर पुट कर दीजिए, तो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं।